फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी ब्लॉग्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम अपने किचन का जो काउंटर टॉप है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे हम पूरे दिन काम करते हैं, उसको आप न केवल सुंदर बल्कि उसको आप फंक्शनल कैसे बना सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपका रेंटेड अपार्टमेंट है तो ये वीडियो देखना आपका पूरा का पूरा बनता है, क्योंकि बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम जो आपका अगर बजट है उसमें आप घर के सामान को ही रिसाइकल रीयूज करके ही आप अपने किचन को बहुत ही सुंदर और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो एंड तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने शेयर किए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको थम्स अप देना और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए अगर आपको मेरे जो जिस तरह के वीडियोस मैं बनाती हूँ वो पसंद आए तो। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना, उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजर से। मेरे किचन के काउंटर टॉप पे मैंने बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं। ये ऑर्गेनाइजर्स बहुत ही हेल्पफुल हैं, आपके किचन को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित लुक देने के लिए। जनरली क्या होता है, हमारे जो किचन स्लैब होता है उस पर हमको वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें एकदम से यूज़ हो, तो ये जनरली हम क्या करते हैं, स्लैब पे ही रख देते हैं। तो इससे हमारा किचन क्या होता है कि थोड़ा फैला फैला लगता है। और जब हम एक बार इनको ऑर्गेनाइजर्स में डाल देते हैं, जैसे मैंने डाला है यहाँ पे, ये अचार का मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, ये मैंने रखा है एक ऑर्गेनाइज़र जो हम मेरे लैडल्स वगैरह हैं उनके लिए, और ये है मेरे स्पून और फोक के होल्डर, और एक मैंने रखा है जो मेरी छोटी मोटी शीशियाँ हैं उनके लिए, और ये है मेरा घी का जार, और ये है मेरा अदरक वगैरह जो कूटने के लिए यूज़ होता है चाय बनाने के टाइम पे। तो ये सामान यहाँ पे रखने से क्या हुआ है, ये मेरे किचन को इसने एक सुंदर सा लुक भी दिया है और मेरा किचन काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रहा है और बिल्कुल फैला फैला नहीं लग रहा है। तो इतना सारा सामान किचन के स्लैब में रखने के बावजूद मेरा किचन फैला नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजर्स कुछ यहाँ पे हैं, और मैंने एक रखा है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने अपने किचन के नैपकिन्स रखे हुए हैं, और मैंने यहाँ पे मेरे पेपर टॉवल्स रखे हुए हैं, और कुछ मेरे जो स्प्रेड्स वगैरह हैं, ब्रेड के स्प्रेड्स, वो रखे हुए हैं। सेकेंड फ़ायदा ऑर्गेनाइजर्स का ये होता है कि आपको साफ़ सफाई में बहुत ईजी रहता है। आपको साफ़ करना है, आप ऑर्गेनाइज़र हटाइए, पीछे का एरिया फटाफट साफ कर लीजिए, ऑर्गेनाइजर्स वापस रख लीजिए। तो ये बहुत ही इजी है स्लैब को क्लीन करने के लिए। तो ये जो दो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये येलो वाला और ये पिंक वाला, ये ऑर्गेनाइजर्स मेरे DIYs हैं। इनको मैंने बनाया था चॉकलेट के, जो कैडबरी चॉकलेट के बॉक्सेस आते हैं उनको पेंट करके। और दूसरा एक ये वाला जो ऑर्गेनाइजर है, और जो मैंने इधर एक ऑर्गेनाइजर रखा है ये वाला, ये दोनों मैंने बिग बास्केट से मंगाए थे, 50 या 60 रुपए के थे। तो ये सिंपल ऑर्गेनाइजर से आपके किचन को आप बिल्कुल कम पैसों में, और अगर आप खुद करते हैं कलर और डेकोरेट, तो ऑलमोस्ट फ्री में ही आप अपने किचन को ऐसा एक ऑर्गेनाइज लुक दे सकते हैं। किचन रैक्स जो हैं वो किचन में आपको स्पेस प्रोवाइड बहुत सारा कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर किचन रैक्स यूज करें तो आप देखिए यहाँ पे मैंने ये आटा और चावल के मेरे डब्बे हैं, ये बस ऐसे ही रखे हुए थे। मैं इनके आसपास या इनके ऊपर कोई चीज़ सामान रखूं तो इनको खोलने में सामान हटाओ फिर रखो फिर हटाओ फिर रखो, तो वो एक प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब क्या किया मैंने, एक रैक लगा दिया यहाँ पे, तो मेरे पास नीचे ये डब्बे भी आ गए, ऊपर मेरे ये सुंदर सुंदर जार्स भी आ गए। तो इससे ऐसा हुआ कि मेरे जो डब्बे हैं जो मेरे किचन को मैं कह सकती हूँ बहुत सुंदर लुक नहीं देते, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये स्टैंड जो है, ये स्टैंड को रखने की वजह से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया है और एक ब्यूटी ऐड हो गई है। ये रैक दो टीयर का था, इसके ऊपर एक और टीयर था रैक का, उसको मैंने यूज कर लिया है। एक दिखाती हूँ आपको यहाँ पे, इसको यहाँ पे मैं जनरली बर्तन जो वॉश होते हैं उनको रखती हूँ। तो ये स्लैब कुछ यूज नहीं था मेरा, ज्यादा स्लैब पे बर्तन धो के रखने के ही काम आता था। तो इसको यहाँ पे रख के मैंने कुछ प्लांट्स लगा दिए, जो प्लांटर्स हैं ये लगा दिए यहाँ पे, वो जो इससे है मेरे किचन का बिल्कुल लुक ही चेंज कर दिया। तो ये फायदा है इस तरह के स्टैंड्स लगाने का।
किचन में काम करते हैं तो किचन को आपको सिर्फ सुंदर ही नहीं चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है कि वो किचन थोड़ा यूजफुल हो। किचन का जो स्लैब हो वो इसलिए रहता है कि सामान आप इजीली यूज निकाल सके, यूज कर सके। तो मेरे किचन में ये चीज का मैंने ध्यान रखा है क्योंकि मुझे नीज का प्रॉब्लम है और बार बार बेंड करना, नीचे से सामान निकालना डिफिकल्ट है। तो मैंने काफी सारी चीजें जो मेरी जनरली रेगुलरली यूज होती है उनको मैंने नीचे ड्रॉज में या फिर नीचे जो शेल्फ से वहां पे नहीं डाला हुआ है मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये किचन को ज्यादा फंक्शनल बनाता है। जैसे ये मेरे आटा और चावल का बॉक्स है, इसको मैंने यहाँ पे रखा है। ये मेरा वेजिटेबल वॉश करने का ओजोनाइजर है, ये यहाँ पे है। ये मिक्सर ग्राइंडर है, ये यहाँ पे है। तो इनको मैंने अंदर नहीं डाला है। तो ये चीज अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। काउंटर टॉप को सुंदर बनाइए, लेकिन इस हिसाब से बनाइए कि वो सिर्फ सुंदर देखने के लिए नहीं ना हो, आपके आपके लिए यूजफुल भी हो और काफी फंक्शनल हो। नेक्स्ट चीज जो है वो आपके हेल्थ के लिए ही सिर्फ अच्छा नहीं है, वो किसी भी एरिया, ना ही सिर्फ किचन बल्कि आपके घर को, घर के किसी भी कोने पर रख दीजिए, वो उसको सुंदर ही बनाते हैं, और वो है प्लांट्स। तो मैंने भी अपने किचन में काफी जगह प्लांट्स लगाए हैं। मैंने इस तरह के प्लांट्स लगाए हैं जो बहुत जल्दी ग्रो ना हो, ताकि वो किचन में जितना स्पेस मैंने उनको प्रोवाइड किया है वो उतने स्पेस में ही रहे। तो ये है एक रबर प्लांट जो मैंने यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट है ये जो मेरे ऑर्गेनाइजर में जार्स और ये सब कुछ रखा है, इनको एक ब्रेक देके जो यू नो एक सुंदरता ऐड करने के लिए यहाँ पे है मेरा एक सकुलेंट। नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी आपको ऑर्गेनाइजर में दिखाया, ये है मेरे तीन लिव, लव और लव के प्लांटर्स। ये भी मेरे DIYs हैं, DIYs पे आते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट। और यहाँ पे मेरे किचन का जो विंडो है वहाँ पे मुझे कुछ एरिया अवेलेबल था तो वहाँ पे मैंने इनको यूज किया है। ये मेरा चाय का केटल था जो ज्यादा यूज नहीं होता था तो इसको मैंने एज अ प्लांटर यूज कर रही हूँ। और ये है मनी प्लांट, इसको भी मैंने यहाँ पे रखा। अगर आप अपने किचन को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो प्लांट्स लगाना बिल्कुल मत भूलिए। जहां पे भी जगह मिले, पॉसिबिलिटी हो, आप वहां पे प्लांट्स, एक छोटा प्लांटर जरूर लगाएं। अगर आपका किचन रेंटेड है तो आप नहीं चाहते हो कि ज्यादा कुछ नया नया सामान खरीदें, क्योंकि पता नहीं होता है कब शिफ्ट करना होता है, शिफ्टिंग में सामान टूट सकता है। तो बेस्ट तरीका इसका है कि आप DIYs करें, जो सामान है उनको रीयूज और रिसाइकल करें। वही मैंने भी किया है अपने किचन को सुंदर बनाने के लिए और बिल्कुल सस्ते में अपने किचन को सजाने के लिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको कौन से DIYs हैं। तो DIYs है उसमें सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, मॉम्स कैफे सर्विंग लव। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा DIY है। ये मैंने शेयर किया इसका DIY मेरे वीडियो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको। ये जो अमेजोन के बॉक्सेस आते हैं उसको और वाइट सीमेंट को यूज करके मैंने इसको बनाया है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको ये ऑर्गेनाइजर्स पहले दिखाए हैं, ये वाला और जो ये वाला ऑर्गेनाइजर है, इन दोनों को मैंने कैडबरी के चॉकलेट के बॉक्सेस से बनाए हैं। नेक्स्ट है मेरा ये वाला बॉटल, ये वाला बॉटल, ये भी एक बॉटल को मैंने कलर करके उसपे व्हाइट सीमेंट और एमसील के हेल्प से इसको बनाया है मैंने। ये DIY नहीं कहूंगी पर ये रीयूज किया है मैंने, कटल जनरली यूज होता नहीं है चाय के लिए तो उसको एज अ प्लांटर यूज करा है। नेक्स्ट, ये तीन जो प्लांटर्स हैं ये मेरे DIYs हैं। ये जो जनरली आप जब खाना ऑर्डर करते हैं तो जो खाने के छोटे छोटे डब्बे आते हैं उनको मैंने व्हाइट सीमेंट से कलर करके किया है, उनको मैंने यूज किया है। ये भी, इसका भी DIY अवेलेबल है मेरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा। और ये जो लैडल का होल्डर है मेरा, ये भी एक DIY है। ये हनी जो आपका होता है, हनी का जार, डाबर का हनी का, तो उसमें मैंने ये जूट के कपड़े से बनाया है। तो आपने देखा कैसे सिंपल छोटे छोटे DIYs यूज करके उसमें अच्छे अच्छे कलर्स डाल के आप अपने किचन में कलर्स और ब्यूटी ऐड कर सकते हैं, और वो भी ऑलमोस्ट मुफ्त में। अगर आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं किचन के डेकोरेशन में,
तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह के ट्रांसपेरेंट शीशे के जार्स यूज करें। ये सी थ्रू होते हैं और इसमें आप जो भी सामान रखते हैं उसके जो कलर्स होते हैं, आपको कुछ कलरफुल करने की जरूरत नहीं है। जो जार्स के अंदर सामान के कलर्स होते हैं वही आपके किचन में कलर्स ऐड करने के लिए काफी होते हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे जार्स हैं, जैसे ये चाय, चीनी और इस तरह के जो वुडन जार्स हैं, ये आपके किचन को एक बहुत ही रिच और एक सुंदर सा लुक देते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इस तरह की चीजों पे आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मेरा किचन है उसमें मेरे पास दो स्लैब्स हैं, तो एक स्लैब तो मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके से है, तो जो दूसरा स्लैब है उसको मैं जनरली मैंने यूज किया है मेरे ओवन को रखने के लिए। यहाँ पे ओवन है, ओवन के ऊपर है मेरा फ्रूट बास्केट, यहाँ पे मैंने रखे हैं दो बर्तन धोने वाले जो मेरे बास्केट्स हैं, ये है मेरे जनरली जो स्टील वगैरह के बर्तन है उसके लिए, और ये क्रॉकरी के लिए यूज किया है। क्योंकि मेरे पास दो स्लैब्स है तो मेरा जो कुकिंग स्लैब है उससे बिल्कुल टच नहीं होता मेरा ये दूसरा स्लैब है, तो इसीलिए यहीं पे मैंने मंदिर रखा है। तो ये मेरे लिए काफी यूजफुल है ये मंदिर, इन द सेंस कि क्योंकि मुझे नीज का प्रॉब्लम है तो मुझे बेंड नहीं करना पड़ता, मैं खड़े होके यहाँ पे पूजा कर सकती हूँ। नेक्स्ट है जो लास्टली जो सिंक एरिया है उसको मैंने ऐसे रखा है, सिंक एरिया के साइड में मैंने इस तरह का रखा है जो स्क्रब्स वगैरह के लिए, और ताकि पानी वगैरह इसमें से आराम से निकल जाए। और यहाँ पे जो है मैंने विम के ऊपर से इसका जो कवर है वो निकाल दिया है ताकि इसका जो येलो कलर है वो दिखे, और ये बहुत सुंदर लगता है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो कलर है वो ऐड करते हैं किचन में, तो कलर्स ऐड करना बहुत जरूरी है बिकॉज अदरवाइज किचन बहुत डल लगता है। किचन में इतनी सारी सब्जियां, इतने सारे सामान रहते हैं, उन्हीं को यूज करके हम किचन में कलर्स ऐड कर सकते हैं। This is how my kitchen countertop looks with the colors of blues, yellows, greens, little beautiful plants. So my kitchen countertop not only looks colorful, beautiful, but it's also very useful, accessible. And I really hope you liked my video, and in case you did, please don't forget to subscribe, like and comment. See you again with another video. Thank you. Bye-bye.